पब्लिक टीवी आपकी आवाज। और एक राम मोहन जी आप सभी से संबोधन करूंगी। जीवन के सुंदर बगिया में राम ने पाद उतारे। क्या बात है, बहुत मधुर गीत है, बहुत अच्छा। जीवन के सुंदर बगिया में राम ने पाद उतारे। चलो अयोध्या धाम सभी हम, चलो अयोध्या धाम सभी हम, जय श्री राम पुकारे। चलो अयोध्या धाम सभी हम, जय श्री राम पुकारे। जय बोलो श्री राम की, जय हो सीताराम की। जय बोलो श्री राम की, जय हो सीताराम की। क्या बात है, अरे वाह वाह। और संजक और आगे सुने। अब तो आओ रघुनंदन, हाथ जोड़कर खड़े द्वार पर प्रभु का करती हूँ वंदन। हाथ जोड़कर खड़े द्वार पर प्रभु का करती हूँ वंदन। पैर पड़ेंगे जहाँ राम के, पैर पड़ेंगे जहाँ राम के, उसको नित्य बुहारेंगे। पैर पड़ेंगे जहाँ राम के, उसको नित्य बुहारेंगे। चलो अयोध्या धाम सभी हम, जय श्री राम पुकारे। चलो अयोध्या धाम सभी हम, जय श्री राम पुकारे। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अंतिम बंदा के समझ रखूं। अमनपुरी में राम पधारे, घर घर दीप जलाओ जी। अमनपुरी में राम पधारे, घर घर दीप जलाओ जी। राम जपो सब, राम भजो सब, मिलकर शीश झुकाओ जी। जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को हम राघव नाम उतारे। जीवन सफल बनाने को हम राघव नाम उतारे। चलो अयोध्या धाम सभी हम, जय श्री राम पुकारे। चलो अयोध्या धाम सभी हम, जय श्री राम पुकारे। मैं रहूं वन में भवन में, या कहीं आपके सानिध्य में कल्याण है। श्वास को तन से विलग मत कीजिए, श्वास को तन से विलग मत कीजिए। राम के बिन जान की निष्पाण, श्वास को तन से विलग मत कीजिए। राम के बिन जान की निष्पाण है। और मुझे भैया यकीन जानिए, ये आवाज मेरी ओरिजिनल है। माइक का कोई बिल्कुल मुझे साथ में नहीं आया। तीसरा और ये मुक्तक बिना भूमिका के आप तक पहुंचेगा। राम से कर जोड़ के बटने कहा, दास की यह प्रार्थना सुन लीजिए। राम से कर जोड़ के बटने कहा, दास की यह प्रार्थना सुन लीजिए। पार गंगा के उतारूं आपको, पार गंगा के उतारूं आपको। ताल भव सागर से पार कर, पार गंगा के उतारूं आपको। और एक जल्दी से एक स्वागत है।
भगवान बन गए, अब वन से लौट कर आते हैं। नृसिंह भैया दो गीत, दो चरणों का गीत स्वागत और कैसा वातावरण पूरे अवध का हुआ मैं वो रखता हूँ, वो दृश्य आपके सामने। कर पूर्ण प्रण वनवास का, सती जी पहली बार सुनेंगे, कर पूर्ण प्रण वनवास का लौटे प्रभु निज धाम, कर पूर्ण प्रण वनवास का लौटे प्रभु निज धाम, महकी अवध की हर दिशा गुंजित हुआ एक नाम, क्या श्री राम जब भगवान के चरण जब अयोध्या की धरती पर पड़े। पूनम हुई मावस कुसुम सूखे हुए मुस्का उठे, साकेत जन आनंद में शुभ गान मृदु गाने लगे, मन मन बसाए राम ही बस राम आठो यहाँ, महकी अवध की हर दिशा गुंजित हुआ एक नाम श्री राम। वापस से आगे साधु की धुन में गाता हूँ, छोटे वाला पंडित हूँ मंदिर पर गजल सुनाता हूँ, छोटी वाला पंडित हूँ मंदिर पर गजल सुनाता हूँ, कमाया जा नहीं सकता जिसे उस धन से लगते हैं, कमाया जा नहीं सकता जिसे उस धन से लगते हैं, तुम्हारे खत के सूखे फूल भी पुवन से लगते हैं, और गजल के शेर में आए हैं जब से कृष्ण और राधा, गजल के शेर में आए हैं जब से कृष्ण और राधा, गजल के शेर भी मुझको तो वृंदावन से लगते हैं। अगर मन राम के जैसा है तो फिर अगर मन राम के जैसा है तो फिर ये झूठे बेर भी अच्छे लगेंगे, अगर मन राम के जैसा है तो फिर ये झूठे बेर भी अच्छे लगेंगे, भजन का शौक रखते हो तो तुमको हमारे शेर ही अच्छे लगेंगे, भजन का शौक रखते हो तो तुमको हमारे शेर, मोहब्बत का जो प्याला चाहते हैं, मोहब्बत का जो प्याला चाहते हैं वो भूखे हैं निवाला चाहते हैं, मोहब्बत का जो प्याला चाहते हैं वो भूखे हैं निवाला चाहते हैं, और ये तीनों लोग ले जाओ सुदामा, ये तीनों लोग ले जाओ सुदामा, ये मेरे नंदलाला चाहते हैं। जीवन सुरक्षित है, जहां नारी सुरक्षित है वहां जीवन सुरक्षित है, हर एक वैभव यहां नारी के चरणों में समर्पित है, हर एक वैभव यहाँ नारी के चरणों में समर्पित है, और कभी सीता कभी दुर्गा कभी काली के रूपों में, कभी सीता कभी दुर्गा कभी काली के रूपों में, किए वो काम नारी ने धरा भी जिनसे कंपित है, किए वो काम नारी ने धरा भी जिनसे बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और एक मेरा गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, आप सभी का मेरे साथ चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कि राम को हिलाना है राम गुण गाना है, राम को हिलाना है राम गुण गाना है, राम मई ये सारी दुनिया को बनाना है, राम को हिलाना
कितना ही गंगा जल में डूबा वो खटखटी कितना ही गंगा जल में डूबा वो खटका किंतु शोरित से प्यास मिटे वापस नहीं बुझाता है। कितना ही गंगा जल में डूबा वो खटका किंतु शोरित से प्यास मिटे वापस नहीं बुझाता है। तप बल कितना ही किसी में रहा हो भले बल बिन कार्य नहीं पूर्ण कर पाता है। तप बल कितना ही किसी में रहा हो भले कितना ही गंगा जल में डूबा वो खटका किंतु शोरित से प्यास नित्य रप नहीं बुझाता है। तप बल कितना ही किसी में रहा हो भले बल बिन कार्य नहीं पूर्ण कर पाता है। पंक्ति बोल रहा हूँ, अंतिम पंक्ति पढ़ता शास्त्र नीति ज्ञान पथ बदलाता है परंतु शस्त्र बिना वह दिवस हाय बन जाता है। तप बल कितना ही किसी में रहा हो भले बल बिन कार्य नहीं पूर्ण कर पाता है। तप बल कितना ही किसी में रहा हो भले बल बिन कार्य नहीं पूर्ण कर पाता है। विश्वामित्र कर पाए विश्वामित्र कर पाए विश्वामित्र कर पाए पूजा न हवन तप विश्वामित्र कर पाए पूजा न हवन तप जब धन भारी राम बहरला आशीर्वाद मिला। मेरी कुछ पूजा की पंक्तियां हैं। 15-16 वर्षों के जो साहित्यिक मेरी यात्रा हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं लखनऊ विश्वविद्यालय का, इसलिए उत्तर पुस्तिका संप्रेषित करता हूं। हमारे आराध्य विराजमान है और आप सबके मन मंदिर में राम का चित्र निश्चित रूप से होगा, तो अपनी उत्तर पुस्तिका लेता हूँ, मंच भी समृद्ध है, उसे भी संप्रेषित करता हूँ और आप सबको संप्रेषित करता हूँ। जो श्रृंगार का कवि होता है वो अपनी नायिका के रूप सुंदर का वर्णन करता है। मेरा आराध्य मेरे राम है, मैं अपने आराध्य का नैक्षिक वर्णन करने की कोशिश करता हूँ। मनसो बाबा कहते हैं कि राम स्वरूप तुहार वचन अगोचर बुद्धि पर अभी तक अटक अपार नेति नेति नित निगम का। फिर भी मैं कोशिश कर रहा शुभ चिन्ह चरण तल पर वंकित शुभ चिन्ह चरण तल पर वंकित ध्वज अंकुश कुलिस कमल सुंदर चारों फलदायक भक्तों के हृदयंगम करते संत प्रवर अंगुष्ठ सुभग अविरल अंगुली नख अरुण प्रभा से अनुरंजित उन्नत पद पृष्ठ रुचिर अनुपम शुभ युगल जानु पर जग मोहित स्तंभ सदृश दोहनु जंघाए पुष्ट प्रबल कटिया भूषण स्वर्णिम किंजन वीर कसे पट पीत नवल केसर अनुलेपित वक्षस्थल हंसित पावन भद चरण सिंह मोर मुकुट माल शोभित मानो सर मध्य हंसावली प्रसन्न विस्तृत उन्नत सुविशाल कंभ आजान बाहुबल विपुल सिंह खाली है पर आपने ये प्रमाणित कर दिया कि सुनने वाले हैं। फिर दशानंद जल उठेंगे, फिर राजा बने हैं, फिर दशानंद जल उठेंगे। आइए चार पंक्तियां सौंपती हूँ, सुनिएगा। जय हो सनातनी सुसंस्कृति सुसभ्यता की सौम्यता सहजता सदस सुख धाम की मृदुता भरी जहाँ की भिन्न भिन्न बोलियों में भारती के भाल पर राजते पयाम की रीत रीत और सद्भाव के सुमन लेके करनी है साधना नयन अभिराम की तो दोनों हाथ हवा में उठा के जय घोष करो तालियां बजाओ। और ये पावन मंच है, यहाँ के माध्यम से मैं उन लोगों को एक जवाब देना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे राम पर प्रश्न उठाए थे।
क्या है हमारे राम? भ्रम सारे दूर हुए, दंभ चूर चूर हुए, श्वान सब चेहरों के उड़ गए रंग है। गौतमी की तेर में है, भीलनी के बेर में है, राम वो है जो कि सच और धर्म संग है। काल ने लिए तुम्हारे बस के नहीं है राम, राम वो है जिन वक्त वीर बजरंग है। पांच सदियां बीत गईं तब हमने यह समय देखा। तो चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि पांच सदियों का अद्भुत समय हो गया, पांच सदियों का अद्भुत समय हो गया, अपने पद में दशानन विलय हो गया, अपने मत में दशानन विलय हो गया, फिर विजय सत्य और धर्म की हो गई, फिर विजय सत्य और धर्म की हो गई, राम में रंग के सब राममय। राममय हो गया, राममय हो गया। बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, बहुत कुछ पढ़ सकती हूँ, किंतु आज मैं आभारी हूँ भैया राहुल शर्मा जी की, जिन्होंने इस मंच पर खड़ा किया है जहाँ हमारे राम के सिवा कोई बात नहीं है। आइए मैं बात करना चाहती हूँ उनकी, जिन्होंने राम को राम बनाया। एक बार आप मुझे आदेशित करें एक ऐसा गीत सौंपना चाहती हूँ। आपको याद हो कि हमारे राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर वापस आए तो सबसे पहले वो माता कैकेयी के पास गए। मैं वो गीत आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। माता कैकेयी पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, मंचस्थ हमारी कुछ बहनें हैं, समक्ष कुछ बहनें बैठी हुई हैं, तब ये गीत पढ़ने का मन हो रहा है। जो पढ़ती हूँ सुनिए। कहो कैकेयी, कहो कैकेयी, दशरथ से मांगे वचनों में तुमने क्या क्या पाया, कहो कैकेयी, दशरथ से मांगे वचनों में तुमने क्या क्या पाया, कहो कैकेयी, कहो कैकेयी। और बन सुना कि रघुवर तो जन्मे ही थे रावण का राज मिटाने को, कौन विछिन्न भला कर पाता जग के ताने बाने को, कौन विछिन्न भला कर पाता तब जग के ताने बाने को, रघुवर तो जन्मे ही थे रावण का राज मिटाने को, कौन विछिन्न। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूछ ले, आज नहीं तो कल वो मन की राह सिधार गए होते, किंतु सुहारी ममता के मोती ना हार गए, किंतु सुहारी ममता के मोती ना हार गए होते, उसी पुत्र की दोषी हो गई जिनको लाल लड़ाया, कहो कैकेयी, दशरथ से मांगे वचनों में तुमने क्या क्या पाया, कहो कैकेयी, कहो कैकेयी। आज बन सुनिएगा कि तुमने सारी उम्र लगा दी रघुकुल लाज बचाने में, शस्त्र शास्त्र की पारंगत ना भूल हुई अनजाने में, खुद का पुत्र जना पर चारों को समतुल्य दुलार किया, किस्मत की मारी तुम पर विधना ने अत्याचार, किस्मत की
विधना ने अत्याचार किया, धर्म विजय तक जाने वाला फूल न तुम तक आया। बहुत अच्छा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।